कहाँ रखे थे? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है। भटक कर रहे हो तो आप? जब तक हुआ तो मैंने उस तरफ चलेंगे बाहर की तरफ। आजी अंकल किस तरफ? कहाँ तक भाई? किशोर के लिए इसी में था अंदर पूरा शहर आ गया था। चलो ऊपर का जो मेन कमरा है ना, पांच टाउन में जी। आप कहाँ गए थे, लौट के तो क्या देखा आपने? मैं इंदौर गया हुआ था, मेरी सासू एक्सपायर हो गई तो फ़ोन आया 11 बजे। हम एक वाली ट्रेन से रतलाम जोधपुर वाली गाड़ी से निकल गए थे। कल जब हम वापस आए तो घर का ताला दरवाजे सब टूटे हुए पड़े थे। कमरे में सारे अलमारियाँ सबका सामान बिखरा हुआ पड़ा था, गद्दे और घर का सामान, जो ज्वेलरी थी
करीबन 10 तोला और कैश था और टैबलेट थी, मोबाइल और हमारा जो कीमती सामान था वो चोरी हो गया है। कम से कम 5-7 लाख रुपए की चोरी हुई है और सारे दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं। ऊपर सारा कमरे के सामान का टेस्ट नेस्ट कर गया है। हम 1 तारीख को गए थे और कल 15 तारीख को आए थे दिन को 12 बजे। आते से देखा तो पीछे वाले गेट से दरवाजा खुला हुआ पड़ा था, अंदर आके देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। और ज्वेलरी में हमारे बहू का सामान है और अंगूठियां है, बाकी वो बाहर रहते हैं। ज़्यादातर जो अभी सामान मालूम करने से मालूम पड़ेगा ज़्यादा और क्या क्या गया है। अंदाजन इतना सामान गया है और कैश है 70-75 हज़ार रुपये जी। कितना नुकसान होगा? करीबन 5-7 लाख रुपये का सामान। कहाँ पे मकान है आपको? 548 प्रगति नगर कोटरा। पुलिस आ गई? जी पुलिस आ गई है कल, वो देख के गई है, फोटो वोटो लेके गई है। कौन सा थाना? ये क्रिश्चनगंज थाना है। अच्छा। मनोहर जी आए थे जी। आपका नाम बता दें? किशोर कुमार रामचंद्रन जी। कुछ होगा तो आप कोई बात हो, अपन क्या नहीं पूछेंगे, पड़ोस में रहते हैं।